देव उठनी एकादशी हिंदुओं के लिए एक पवित्र दिन है जो भगवान विष्णु के जागरण का प्रतीक है। यह दिन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है जो हिंदू पंचांग के अनुसार अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2024 में यह शुभ दिन 14 नवंबर को पड़ेगा। इस दिन को लेकर भक्तों में विशेष उत्साह होता है और वे इसकी तैयारी में जुट जाते हैं। ये चातुर्मास का अंत दर्शाता है, चार महीने की अवधि जब भगवान विष्णु ब्रह्मांड के पालनहार योग निद्रा में माने जाते हैं। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। देव उठनी एकादशी भगवान विष्णु के इस निद्रा से जागरण का जश्न मनाता है। भक्तगण विशेष पूजा अर्चना करते हैं और भगवान विष्णु की आराधना में लीन हो जाते हैं। ये दिन प्रकृति और हमारे भीतर दोनों में नवीनता का प्रतीक है। जैसे प्रकृति मानसून के बाद नई ऊर्जा के साथ जागती है, वैसे ही यह दिन हमारे जीवन में नई शुरुआत का संकेत देता है। जैसे मानसून के बाद प्रकृति अपनी निद्रा से जागती है, वैसे ही हमें भी अपने आध्यात्मिक स्व को जगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह समय आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का होता है। हम आत्मनिरीक्षण की अवधि से उभरते हैं और कार्य और विकास के समय के लिए खुद को तैयार करते हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमें अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना और उनका उपयोग करना चाहिए। यह त्योहार एक अनुस्मारक है कि सन्नाटे में भी अपार शक्ति और क्षमता प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है। जैसे सूर्योदय के साथ नया दिन शुरू होता है, वैसे ही यह दिन हमारे जीवन में नई उम्मीदें और संभावनाएं लेकर आता है। इस दिन लोग दीप जलाते हैं, मंदिरों में घंटियां बजाते हैं और सामूहिक रूप से भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। यह सामूहिकता और एकता का प्रतीक है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ता है। परिवार और मित्रगण एक साथ मिलकर इस दिन को मनाते हैं, पारंपरिक मिठाइयां बनाते हैं और एक दूसरे के साथ बांटते हैं। ये दिन प्रेम, सौहार्द और सामूहिकता का प्रतीक है। देव उठनी एकादशी का यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन में हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत होती है। ये दिन हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने का अवसर प्रदान करता है। देव उठनी एकादशी केवल विष्णु जी के जागरण का उत्सव नहीं है, यह एक ऐसा समय है जब हम अपने जीवन में नई ऊर्जा और नई दिशा की शुरुआत करते हैं। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। यह नई शुरुआत का उत्सव है। सूर्योदय की तरह यह दिन हमें अपने जीवन में प्रकाश और सकारात्मकता लाने का अवसर प्रदान करता है। यह समय है जब हम अपने पुराने विचारों और आदतों को छोड़कर नए विचारों और नई आदतों को अपनाते हैं। यह समय है अपनी आकांक्षाओं के बीज बोने और नए जोश के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का। जैसे किसान अपने खेतों में बीज बोता है, वैसे ही हमें भी अपने सपनों और लक्ष्यों के बीज बोने चाहिए। यह समय है जब हम अपने स्वास्थ्य, करियर और व्यक्तिगत विकास के लिए नए संकल्प लेते हैं। यह दिन नए उद्यम शुरू करने, शादी करने या जीवन की किसी भी महत्वपूर्ण घटना को शुरू करने के लिए शुभ माना जाता है। यह समय है जब हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों का जश्न मनाते हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हर नई शुरुआत में एक नई उम्मीद और एक नया अवसर छिपा होता है। यह त्योहार खुद को ब्रह्मांडीय लय के साथ जोड़ने के महत्व पर जोर देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी एक बड़े ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और हमें अपनी ऊर्जा और प्रयासों को उस लय के साथ संरेखित करना चाहिए। यह समय है जब हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को खोजते हैं। जिस प्रकार विष्णु संतुलन और व्यवस्था बहाल करने के लिए जागते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने धर्म जीवन में अपने उद्देश्य के प्रति जागने की याद दिलाई जाती है। यह समय है जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए अपने प्रयासों को केंद्रित करते हैं। यह आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण का समय है जो हमें अपने कार्यों का आकलन करने और उन्हें अपनी उच्चतम आकांक्षाओं के साथ संरेखित करने के लिए प्रेरित करता है। यह समय है जब हम अपने जीवन के हर पहलू पर विचार करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतन के माध्यम से ही हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन भक्त भगवान विष्णु के जागरण का प्रतीक प्रबोधिनी नेमसक एक विशेष अनुष्ठान करते हैं। घरों की सफाई की जाती है और फूलों और रंगोली से सजाया जाता है। पूरा माहौल उत्साह और भक्ति से गूंज उठता है।
दिए वाटराए जाते हैं उनकी लौ अंधकार के नाश का प्रतिनिधित्व करती है। पूजा समारोह उत्सव का दिल होता है। फलों, मिठाइयों और तुलसी के पत्तों का भोग लगाया जाता है, जिन्हें विष्णु जी को अति प्रिय माना जाता है। हवा में इंसेंस की खुशबू और भक्ति गीतों की आवाज गूंज उठती है। अनुष्ठान बाह्य क्रियाओं और आंतरिक इरादे का एक सुंदर मिश्रण है, जो मूर्त साधनों के माध्यम से ईश्वर से जुड़ने का एक तरीका है। मंत्रों का जाप देव उठनी एकादशी का एक अभिन्न अंग है। माना जाता है कि इन पवित्र ध्वनियों में शक्तिशाली स्पंदन होते हैं, जो मन को शुद्ध करते हैं और विष्णु जी के आशीर्वाद का आह्वान करते हैं। विष्णु सहस्र नाम, विष्णु जी के 1000 नाम का अक्सर जाप किया जाता है। प्रत्येक नाम उनके दिव्य गुणों का एक पहलू है। AUM नमो नारायणाय मंत्र जैसे अन्य मंत्र विष्णु जी के सार के साथ प्रतिध्वनित होते हैं, समर्पण और ईश्वर की शरण में जाने का प्रतिनिधित्व करते हैं। जाप एक स्पष्ट ऊर्जा, ईश्वर के साथ संबंध की भावना पैदा करता है। यह ध्यान का एक रूप है जो भाषा की सीमाओं को पार करता है और हमारे एग्जिस्टेंस के मूल को छूता है। भाग 5, पवित्र व्रत, शुद्धिकरण और श्रद्धा का दिन। उपवास देव उठनी एकादशी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह शरीर और मन को शुद्ध करने, आत्म अनुशासन को बढ़ावा देने और सांसारिक इच्छाओं से वैराग्य की भावना को बढ़ावा देने का एक तरीका है। भक्त अन्न और जल का त्याग करते हैं, अपनी ऊर्जा प्रार्थना, ध्यान और आध्यात्मिक चिंतन पर केंद्रित करते हैं। उपवास को वंचितता के रूप में नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति के साथ किए गए बलिदान के रूप में देखा जाता है। यह एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पण करने का एक तरीका है, जो ईश्वर पर हमारी निर्भरता को स्वीकार करता है। भूख के दर्द को हमारी आध्यात्मिक भूख ईश्वर से जुड़ने की हमारी लालसा की याद दिलाता है। भाग 6, रीति रिवाज और परंपराएं, आस्था का रेंज। देव उठनी एकादशी पूरे भारत में विविध रीति रिवाजों के साथ मनाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में विष्णु और लक्ष्मी की मूर्तियों को ले जाने वाली सुंदर ढंग से सजी पालकियों के साथ जुलूस निकाले जाते हैं। लोग इन प्रोसेशंसों को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं, उनके दिल भक्ति और खुशी से भर जाते हैं। कहानी सुनाना, विशेष रूप से विष्णु जी की लीलाओं या दिव्य नाटकों का वर्णन एक और सुंदर परंपरा है। पीढ़ियों से चली आ रही ये कहानियां नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करती हैं, जो श्रोताओं को विष्णु जी की सर्वव्यापी उपस्थिति और धर्म के रक्षक के रूप में उनकी लैंडका की याद दिलाती हैं। भाग 7, देव उठनी एकादशी की कथा, बुराई पर विजय। यह त्योहार हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार असुर राजा बलि पर विष्णु जी की विजय की कथा से जुड़ा है। इस दिन को देवताओं के जागने का दिन भी माना जाता है, जो 4 महीने की निद्रा के बाद होता है। कथा है कि विष्णु जी ने अपने वामन अवतार में बलि को छल से 3 पग भूमि दान करने के लिए मजबूर किया। वामन एक छोटे ब्राह्मण के रूप में बलि के पास गए और उनसे 3 पग भूमि की मांग की। इन 3 पगों से विष्णु जी ने स्वर्ग पृथ्वी को ढंक लिया और बलि को नीचे पाताल लोक में धकेल दिया। पहले पग में उन्होंने स्वर्ग को मापा, दूसरे में पृथ्वी को और तीसरे पग में बलि को पाताल लोक भेज दिया। हालांकि बलि की भक्ति से प्रभावित होकर विष्णु जी ने उसे वर्ष में एक बार पृथ्वी पर लौटने का वरदान दिया, जिसे ओनम के रूप में मनाया जाता है। ओनम के दौरान लोग बलि के स्वागत के लिए घरों को सजाते हैं और विशेष पकवान बनाते हैं। यह कथा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जो हमें याद दिलाती है कि विपत्ति के समय में भी धार्मिकता की जीत होती है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चलने से अंततः विजय प्राप्त होती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। भाग 8, देव उठनी एकादशी मैंदाने के लाभ, आध्यात्मिक विकास का मार्ग। देव उठनी एकादशी को निष्ठा से मैंदाने से अनेक लाभ मिलते हैं। व्रत शरीर और मन को शुद्ध करने में मदद करता है। प्रार्थना और मंत्र हृदय को शुद्ध करते हैं, शांति और शांति को बढ़ावा देते हैं। कहानियां और अनुष्ठान आध्यात्मिक जागरूकता को जगाते हैं, जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप की याद दिलाते हैं। ये त्योहार अज्ञानता की नींद से जागने और अपने भीतर और बाहर ईश्वर से जुड़ने का एक अनुस्मारक है। यह आध्यात्मिक विकास के लिए इरादे निर्धारित करने, करुणा, दया और कृतज्ञता जैसे गुणों को विकसित करने का अवसर है। भाग 9, निष्कर्ष।
भगवान के प्रकाश को अपनाना। देव उठनी एकादशी आशा, नवीनीकरण और बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव है। यह अपने आंतरिक प्रकाश को जगाने, ईश्वर से जुड़ने और ब्रह्मांड की ब्रह्मांडीय लय के साथ खुद को संरेखित करने का समय है। जैसे ही हम अपने दिए वाटराते हैं, पवित्र मंत्राओं का जाप करते हैं और अपनी प्रेरणाएं अर्पित करते हैं, आइए हम इस शुभ दिन के संदेश को गले लगाएं। आइए हम अपनी वास्तविक क्षमता को जगाएं, धर्म को अपनाएं और उद्देश्य, प्रेम और भक्ति से भरे जीवन जीने का प्रयास करें।